Hey guys, welcome back to the channel. तो यार आज के वीडियो में हम लोग कुछ रैंकिंग करने वाले हैं पॉकीमोन के ट्रियोज को. एंड हाँ, ये कंसीडर हम लोग करेंगे कुछ बेसिस पे. तो हम लोग किस बेसिस पे कंसीडर कर सकते हैं कि कौन सा ट्रियो बेस्ट एंड कौन सा ट्रियो वर्स्ट. तो यार एनिमे एंड गेम्स हम लोग दोनों की परफॉर्मेंस को सभी ट्रियोज को मिला के एक कंबाइंड परफॉर्मेंस बनाएंगे. और हाँ, उसी के अकॉर्डिंग हम लोग जज करेंगे कि कौन सा ट्रियो बेस्ट एंड कौन सा ट्रियो वर्स्ट. वैसे हाँ, फॉर्मेलिटीज जैसे तुम लोग को पता ही होगा पूरी कर ही देना यार, इसमें क्या ही लगता है. सो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड. रुको जरा, सबर करो. Let me tell you about 90s.in, जो इंडिया का मर्चेंडाइज स्टोर है. तो अगर तुम्हें एनिमे की मर्चेंडाइज खरीदनी है तो 90s.in सबसे बेस्ट प्लेस रहेगा तुम्हारे लिए एनिमे की मर्चेंडाइज को परचेज करने के लिए, क्योंकि यार इसकी क्वालिटी बहुत सी होती है. और इस स्टोर के अंदर तुम्हें बहुत सारी वैरायटीज भी देखने को मिल जाती है, जो बहुत सी बात है. और ये खास बात है स्टोर के अंदर की बहुत सारे एनिमे की तुम्हें वेरिएशन भी देखने को मिल जाती है, जो यार बहुत सी बात है. मतलब एनिमे की ये स्टोर बहुत ही सही है. तो 90s की वेबसाइट को पक्का चेक करना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है. तो नंबर 10 पे आते हैं फोर्सेस ऑफ नेचर, यानी कि टोर्नाडोस, लैंडर्स एंड थंडर्स. तो देखो यार, एनिमे के अकॉर्डिंग इन लोग का जो पर्सनालिटी था वो बहुत सही था. इन लोगों को थोड़ा सा ईवल लुक देने की कोशिश की गई थी एंड इनकी जो पर्सनालिटी थी उनको भी ईवल शो किया गया था. लेकिन जहाँ पे मात खाते वो इनकी परफॉर्मेंस एनिमे के अंदर. तो देखो यार, गेम्स के अंदर ये लोग परफॉर्मेंस एवरेज दे देंगे, मतलब अच्छी खासी परफॉर्मेंस दे देंगे, लेकिन एनिमे के अंदर नहीं यार, एनिमे के अंदर ये लोग फंस जाते हैं. तो यही पे इनका एक नेगेटिव पॉइंट है, इसी कारण से मैंने इसको थोड़ा सा नीचे रखा है. नंबर 9 पे लेजेंडरी बीस्ट. ओके, राइकू, सुइकून एंड एंटे, भाई ये लोग नीचे है. लेकिन यू नो व्हाट, ये लोग नीचे क्यों है? बिकॉज इनका जो परफॉर्मेंस रेट है यार, वो ग्रेजुअली गिरा है. यानी कि स्टार्टिंग जनरेशन में इनको बहुत ही ओपी शो किया गया था, लेकिन भाई अब क्या ही हो रहा है भाई, गो सुइकून पकड़ ले रहा है. मतलब कैसे यार, मतलब ये कैसे हो सकता है? ओके, मतलब यही एक पर्टिकुलर बेसिस नहीं है जिसके कारण से मैंने इसको नीचे रखा है. मैं ये नहीं बोल रहा कि लेजेंडरी बीस्ट ट्रियो बहुत ही खराब है, ये ट्रियो के पास भी एबिलिटीज है, अच्छी खासी पावर्स भी है. लेकिन एनिमे के अकॉर्डिंग में इनको ऐसा शो किया गया है, स्टार्टिंग टाइम में बहुत ही मस्त शो किया गया था. लेकिन जैसा ऐसा टाइम जाते गया उसके बाद इसकी जो पॉपुलैरिटी है ना, अचानक से गिरती गई. अब आई डोंट नो ये क्यों हुआ, लेकिन भाई फिर भी इनकी ये परफॉर्मेंस जो गिरती गई, इसके कारण से मुझे इनको नीचे रखना पड़ेगा, बिकॉज बाकी जो ट्रियोज है इनसे थोड़ी सी ज़्यादा बेटर है. ओके, तो नंबर 8 पे आते हैं लेजेंडरी बर्ड्स. तो यार देखो, नंबर 8 और नंबर 9 के पॉकीमोन्स, तो इनको ना बिल्कुल सेम मानो, क्योंकि आर्टिकुलो, जैप्टॉस और मॉल्ट्रेस, इनका वही भाई सेम हाल है. मतलब स्टार्टिंग में यार इनको बहुत ही मस्त शो किया गया था, लेकिन धीरे धीरे जैसे टाइम बीतता गया इनका भी सेम काम हुआ जैसे लेजेंडरी बीस्ट के साथ हुआ. इनका भी जो परफॉर्मेंस रेट है एंड पॉपुलैरिटी है धीरे धीरे गिरती गई. दैट्स व्हाई मैं इनको ज़्यादा ऊपर पुट नहीं कर सकता हूँ. उसके बाद जो नंबर 7 पे आते हैं वो है शॉर्ट्स ऑफ जस्टिस, यानी कि टेराकियन, विरिजियन एंड कोबालियन. तो इनके पास भाई एबिलिटीज है एंड इनको थोड़ा सा अंडररेट किया जाता है. आई डोंट नो क्यों इनको अंडररेट किया जाता है. लेकिन इनके पास देखो यार, गेम्स के अंदर तुम लोग देखोगे तो एवरेज परफॉर्मेंस लोग गेम्स के अंदर देते हैं. मतलब ये मैं नहीं बोलूँ गेम्स के अंदर बहुत ही अच्छा ये लोग परफॉर्मेंस करते हैं, लेकिन नहीं यार, इनके पास जो मूव्स है ना कम रहती है. लेकिन मूव्स का अगर तुम सही यूज करोगे तो हाँ, वो मूव्स अच्छी खासी काम करेगी. और अगर तुम लोगों ने एनिमे में देखा होगा तो ये ट्रियो बहुत ही मस्त परफॉर्मेंस करते हैं यार, और जो मोटिवेशन देती है ये ट्रियो भाई बहुत ओपी था. और वैसे तो ये ट्रियो ने ये चार मेंबर्स में कन्वर्ट हो गई थी कैल्डियो के आने के बाद, लेकिन मेरे मायने में बाकी जो ट्रियोस इनसे ऊपर है वो इनसे बहुत ही ज्यादा अच्छे परफॉर्म कर सकते हैं. इसी कारण से नंबर 6 पे है लेक गार्डियंस, यानी कि ओक्सी, मेस्फिट एंड एजल्फ. देखो यार, ये इमोशन, विल पावर एंड नॉलेज को कंट्रोल कर सकते हैं, जो ह्यूमन बींग्स एंड पॉकीमोन के वर्ल्ड के अंदर भी बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है. एंड इस कारण से मैंने इसको थोड़ा सा ऊपर रखा है. वैसे एनिमे के अकॉर्डिंग चाहिए तो हाँ, इनके पास एक अलग ही प्लस पॉइंट रहती है, लेकिन हम लोग गेम्स के अकॉर्डिंग में देखे तो ये पॉकीमोन भी छोटे दिखते, लेकिन भाई ये लोग भी डिस्ट्रक्टिव साबित हो सकते हैं, इनको भी कम मत मापना. सो या नाउ नंबर 5 पे लाइट ट्रियो, यानी कि सोलगैलियो, लूनाला एंड निक्रोसमा. तो तुम लोग को ये भी लग सकता है कि इस ट्रियो की रैंकिंग थोड़ी सी नीचे की गई है, लेकिन नहीं यार, मैं इसको और ऊपर कैसे कर सकता हूँ, बिकॉज आगे के जो ट्रियो से बहुत ही बवाल है. तो देखो, सोलगैलियो, लूनाला और निक्रोसमा, इसका जो सबसे बेस्ट पॉकीमोन है इस ट्रियो के अंदर वो है निक्रोसमा. जब सोलगैलियो एंड लूनाला इन लोगों की पावर्स तुम मिला दो, उसके बाद निक्रोसमा की पावर्स आती है. यानी कि भाई निक्रोसमा बहुत ही ओपी लेवल का पॉकीमोन है. लेकिन यार यहाँ पे तुम लोग ये चीज नोटिस, क्योंकि हम लोग ट्रियो को जज कर रहे हैं, ना कि कोई पर्टिकुलर पॉकीमोन को. तो हाँ, इस कारण से मुझे इनको नंबर 5 पे रखना पड़ेगा. इन नंबर 5 के बावजूद इनके पास रेजिस्टेंस की कैपेबिलिटीज है वो बहुत ही सही है यार. और यहाँ पे घोस्ट टाइप एंड यहाँ पे साइकिक टाइप सोलगैलियो और लूनाला के पास, मतलब कॉम्बिनेशन सही देने की कोशिश की गई पॉकीमोन कंपनी ने, एंड ऐसे ही हुआ. और हम लोग निक्रोसमा को भी नहीं बोल सकते यार, निक्रोसमा ही तो इस पूरे टीम का जो प्लस पॉइंट है वही तो है. नंबर 4 पे आती है टाउ ट्रियो, यानी कि क्यूरेम, ऋषिराम एंड ज़ेक्रोम. तो क्यूरेम को थोड़ा सा अंडररेट किया जाता है, पता नहीं क्यों यार, क्यूरेम को क्यों अंडररेट किया जाता है. क्यूरेम बहुत ही
स्ट्रॉन्ग पोकेमोन है, लेकिन फिर भी याक्यूरियम को बाकी सारे लेजेंडरी पोकेमोन के कंपैरिजन में थोड़ा सा अंडररेट किया जाता है। वैसे क्यूरियम को ही क्या, पूरे जेन 5 को अंडररेट किया जाता है, लेकिन यार ऐसा नहीं है। जेन 5 बहुत सही रीजन था, उसकी एनिमे भली थोड़ी सी फ्लॉप हो लेकिन गेम्स यार बहुत मस्त है। लेकिन जेन 5 के एनिमे मूवीज ही भाई बहुत कमाल के, तुमने देखा ही होगा मेरे ख्याल से। तो उसमें देखो जो क्यूरियम है वही इस पूरे ट्रियो का मेन पोकेमोन है। वैसे रेशिराम और जेक्रोम भी काफी अच्छे पोकेमोन है। वैसे इनके पीछे जो बैक स्टोरी है वो भी बहुत ही मस्त है, यानी कि ऑयसन ड्रैगन से तीनों कन्वर्ट हुए अलग अलग पोकेमोन्स के अंदर, तो यार वो भी बैक स्टोरी बहुत सही थी। वैसे हम लोग फिर से अगर टॉपिक पर आए तो यार इनकी जो पावर्स है वो पावर लेवल को मैच करना बहुत मुश्किल होगा किसी और पोकेमोन्स के लिए, लेकिन फिर भी यार ऑरा ट्रियो ये काम कर सकती है। तो नंबर 3 पे ऑरा ट्रियो यानी कि जर्नियस, यूवेल्टन एंड ज़ाइगार्ड। तो पोकेमोन वर्ल्ड के अंदर इस ट्रियो की भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल रही है, यानी कि लाइफ डेथ एंड लाइफ की जो पूरी प्रोसेसिटी है वो कंट्रोल करना। तो ज़ाइगार्ड यार इसका जो एपिक पोकेमोन ये रहा है, लेकिन जर्नियस एंड यूवेल्टन लाइफ एंड डेथ को भी कंट्रोलर, ये दो पोकेमोन्स हैं। एंड जो ज़ाइगार्ड है वो लाइफ सर्कल को बिल्कुल मेंटेन करके रखते हैं। तो यार ये तीनों पोकेमोन की जो अहमियत है पोकेमोन वर्ल्ड के अंदर वो सबसे ज्यादा है। और हम लोग पावर वाइज भी अगर जज करें तो इन तीनों पोकेमोन की पावर लेवल को भी टक्कर देना बहुत मुश्किल हो। लेकिन नंबर 2 पे आते हैं फेडरेट ट्रियो यानी कि कायोग्रे, ग्रूडोन एंड रेक्वेजा। तो प्राइमर एंड मेगा फॉर्म के बाद इनके पास बहुत ही मस्त पावर आती है, एंड इनके कारण से हम लोग बोलो कि इसको नंबर 1 पे रखना चाहिए था, लेकिन भाई ऐसा नहीं है। क्रिएशन ट्रियो बहुत मस्त है, तो इसीलिए हाँ मैंने क्रिएशन ट्रियो को नंबर 1 पे रखा है, एक डायगा, पालकिया और गियाटिना को, बिकॉज इन्हीं से लाइफ सर्कल का बिल्कुल शुरुआत हुआ था। आरसीएस सबसे पहले इन्हीं तीनों को क्रिएट किया था, तो इनके पास बहुत ही मस्त पावर्स है, टाइम, एंटी मैटर एंड स्पेस का। मतलब यार जहाँ पे तुम रह रहे हो वहाँ का पावर्स इन्हीं के पास है, तो भाई क्या ही होगा, ये लोग कुछ भी कर सकते हैं ना। तो यहाँ पे भाई बहुत ही इजली ये लोग कायोग्रे, ग्रूडोन एंड रेक्वेजा इनको भी डिफीट कर सकते हैं, इसलिए मैंने नंबर 1 पे क्रिएशन ट्रियो को रखा है, नंबर 2 पे फेडरेट ट्रियो को। आई थिंक सो मेरे ख्याल से तो ये लिस्ट सही होनी चाहिए। लेकिन यार देखो अगर इंडिविजुअली अगर करना होता है तो रेक्वेजा इन सबसे थोड़ा सा बेटर है, लेकिन मैं इंडिविजुअली ना देख के मुझे ट्रियोज को जज करना है, तो हाँ ट्रियोज को जज करने के लिए मुझे रेक्वेजा को नीचे रखना ही होगा, बिकॉज यार कायोग्रे एंड ग्रूडोन भी उसके साथ में है, तो उन सबकी जो पावर है सबको मुझे कंबाइन करना होगा। एंड डायगा, पालकिया एंड गियाटिना इनकी पावर्स को कंबाइन करने के बाद भाई ये बहुत ही एपिक बनते हैं, तो हाँ भाई इनको तो मुझे टॉप पे रखना ही। वैसे लेट मी कंफर्म यू कि जैशियन, जामाजेंडा एंड एटेनेटस अभी तक ट्रियो के फॉर्म में अपेयर नहीं हुए, यानी कि पोकेमोन फ्रेंचाइज ने अभी तक इनको ट्रियो कंसिडर नहीं किया है, तो हम लोग भी ट्रियो यार कैसे कंसिडर कर ले। तो देखो यार पोकेमोन कंपनी का ऐसे कहना है कि जैशियन एंड जामाजेंडा वो डुओ है, एटेनेटस एक अलग पोकेमोन है, यानी कि ये अभी तक ट्रियो फॉर्म में कंसिडर नहीं किए गए हैं। और तुम लोग बोलो कि रेसी ट्रियो यहाँ पे कहाँ पे है, तो यार रेसी ट्रियो नहीं है, वो रेसी पेंटा हो चुके हैं। लेकिन यार देखो रेसी पेंटा के बारे में एनिमे के अकॉर्डिंग अच्छी सी इन्फॉर्मेशन नहीं है, क्योंकि जो नए रेसी पोकेमोन आए हैं उनको अभी तक एनिमे के अंदर शो नहीं किया गया, तो हाँ देखते हैं उनके एनिमे में कैसा डेटा है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग उनको भी जज कर पाएंगे कभी और। तो यार दैट इज ऑल फॉर दिस वीडियो, आई होप तुम लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी, तो पसंद आई होगी तो लाइक करना, और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना, और अगर तुम लोग कोई एनिमे मर्चेंडाइज देना हो तो 90s को भाई चेकआउट करो। तो आज के पॉकी क्विज की फर्स्ट लेजेंडरी पोकेमोन कौन सा था जिसको मेगा इवोल्यूशन मिला, तो इस पॉकी क्विज के कमेंट्स करो मुझे, और पिछले पॉकी क्विज के विनर्स ये रहे। एंड मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए दिस इज इट गैलेक्सी साइनिंग आउट।